नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार मानछियाओ। अंचलाधिकारी के आवेदन पर अर्धविक्षिप्त युवक को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। मोरबे पंचायत क्षेत्र के ग्रामीणों ने दुख प्रकट किया, उपायुक्त से बरी करने की मांग। मानछियाओ प्रखंड सह अंचल कार्यालय में दिन शुक्रवार को मोरबे निवासी विक्रम साह के अर्धविक्षिप्त पुत्र डब्लू प्रसाद युवक को अंचल अधिकारी रामजी प्रसाद गुप्ता के आवेदन पर थाना कांड संख्या 108/23 15 सितंबर को धारा 341, 307, 353, 504 IPC के तहत प्राथमिकी की दर्ज करते हुए युवक को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। बताते चलें कि डब्लू प्रसाद दिन शुक्रवार को प्रखंड से अंचल कार्यालय में अपने साथ सब्जी काटने वाला चाकू, छिलनी, छोटा कैंची, मिठाई बनाने वाला डब्बा, दो तीन तरह की दवाइयां लेकर घुस गया था। उसके बाद अर्धविक्षिप्त ने अंचल कार्यालय में हो हल्ला करते हुए अंचल अधिकारी रामजी प्रसाद गुप्ता के चैम्बर में घुस गया और स्वयं को जय बजरंग बली बोलते हुए नारा लगाने लगा और चिल्लाने लगा। उसके बाद लोग उसको पकड़ना चाह रहे थे तो उसने चाकू कैंची दिखाने लगा, जिससे प्रतीत हुआ कि किसी को मार देगा। उसके बाद किसी तरह उसे धर पकड़ लिया गया और थाना प्रभारी को सूचना दी गई। उसके बाद युवक को पुलिस पकड़कर थाना ले गई। इसके बाद अर्धविक्षिप्त होने के कारण और कोई आवेदन नहीं मिलने के कारण थाना प्रभारी के द्वारा छोड़ देने जाने की बात कही गई और परिजनों को बुलाया गया, लेकिन कुछ घंटे बाद अंचल अधिकारी रामजी प्रसाद गुप्ता पिता स्वर्गीय लखन साह ग्राम पोस्ट थाना मानछियाओ के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में डब्लू साहब के खिलाफ आवेदन दिया गया है कि प्रखंड से अंचल कार्यालय में अस्त्र शस्त्र के साथ दाखिल होकर हल्ला हो गुल्ला गाली गलोच कर रहा था। लाख मना करने के बावजूद अधो हस्ताक्षरी के प्रकोष्ठ में दाखिल होता है एवं हाथ में चाकू को लहराते हुए और अधो हस्ताक्षरी के प्रकाष्ठ में हल्ला गुल्ला एवं सरकारी कार्य में बाधा एवं चाकू का भय दिखाने का अथक प्रयास किया गया। बहुत प्रयास के बाद अंचल कर्मी एवं उपस्थित नागरिकों के सहयोग से उसे काबू में किया गया एवं उसकी सूचना तत्काल थाना प्रभारी को दी गई। उसके बाद गश्ती दल के द्वारा पकड़कर थाना ले जाया गया। उक्त व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन उत्पन्न करना एवं जान लेने जैसी मानसिकता के साथ कार्यालय में दाखिल होना, सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना एवं प्रखंड परिसर में भद्दी भद्दी गाली गलौज एवं हल्ला गुल्ला कर पूरे कार्यालय को आतंकित करने का काम किया है। इधर इसी आलोक में प्राथमिकी की दर्ज करते हुए डब्लू प्रसाद को जेल भेजा गया है। इसके बाद पंचायत की BDC संध्या देवा, मुखिया निर्मला देवी, वार्ड सदस्य एवं गाँव के सैकड़ों ग्रामीणों के द्वारा जिला उपायुक्त के नाम आवेदन तैयार किया गया है। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि डब्लू प्रसाद का मानसिक संतुलन विगत लगभग 20 वर्षों से ठीक नहीं रहता है। आगे डॉक्टर के द्वारा इलाज कांके के अस्पताल में 2004 से भर्ती हुआ था, जो अपना पूरा कागज चला डाला। कुछ दिन के लिए ठीक रहता है और कुछ दिनों के बाद पुनः दिमाग संतुलन खराब हो जाता है। मोरबे की ग्रामीण जनता अच्छी तरह से जानती है कि डब्लू प्रसाद का शारीरिक एवं आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मोरबे की ग्रामीण जनता ने उपायुक्त श्रीमान से अपील करना चाहती है कि डब्लू प्रसाद को बरी करने की कृपा की जाए। हर पल की ताज़ा खबरों को देखने के लिए गीतांश टीवी न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।